भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे। हम लोग अपने मुद्दों के आधार पर यहां झगड़ा सीट का नहीं है। अच्छा, आपके साथ इन तमाम चीजों की जानकारी हम लोग इधर कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। से इस्तीफा इसी नाते दिया। मैं कह रहा हूँ आपका फार्मूला क्या है? आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू होगी कि नहीं होगी? जब हमारी बात जहाँ हुई है जिससे अखिलेश जी से एग्री है, वो हर चीज के लिए एग्री है। कल तक देखिए क्या था, आज क्या है, तो पूरे देश के लोग तो मोदी मोदी चिल्ला रहे थे, आज मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं? करने के लिए उनके बीच में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जागरूकता पैदा करने के लिए हम लोगों ने इधर कार्यक्रम रखा है। आज देश एक है, संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, शिक्षा दो तरह की है, एक तरफ प्राइवेट स्कूल, एक तरफ सरकारी स्कूल। प्राइवेट में क से कंप्यूटर, सरकारी में क से कबूतर, ये दो तरह की शिक्षा समाप्त कर हम लोग एक समान अनिवार्य स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा चाहते हैं। बयान आया था? नहीं, बिल्कुल। मैं तो मैं कहा था नहीं दिया हूँ, मैंने बयान दिया था। भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तब। हमने ये नहीं कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके ये काम करेंगे। हम अपने कायम हैं, अपने जो हम बोलते हैं हम उस पे कायम रहते हैं। सरकारी पैसा और सरकारी कर्मचारियों को ला करके रैली कर रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड का कार्यक्रम हो, चाहे आजमगढ़ का कार्यक्रम हो, चाहे आपके सुल्तानपुर का कार्यक्रम हो। सबसे बड़ा भरोसा 370 राम मंदिर था वो। अच्छा, जब 370 नहीं हटा था तब यूपी को क्या नुकसान था? हम आपसे पूछ रहे हैं, जब नहीं हटा था तो क्या नुकसान था? हट गया तो क्या फायदा हो गया? नहीं, फिर वही बात, राष्ट्रवाद की परिभाषा पहले भारतीय जनता पार्टी पढ़ ले तब दूसरे को पढ़ावे। नफरत नहीं सिखाता राष्ट्रवाद। 7, 9, 11 में बंटवारा कर दिया, लेकिन ये सरकार सिर्फ हम लोगों को गुमराह कर रही है। तो 22 में सरकार बनाकर हम लोग इस सामाजिक न्याय समिति को रिपोर्ट को लागू करने के लिए लोगों को जागृत कर रहे हैं। प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही है, हम लोग उसको समाप्त करके हम लोगों की कोशिश होगी कि भाईचारा मिल्लत की राजनीति हो, लोग मिल के रहें आपस में। इसके लिए हम लोग 22 में जनता को जागृत कर रहे हैं। आज देश में गरीबों का इलाज चर्चा तो बहुत हो रही है, 22 में सरकार बनाकर हम लोग गरीबों का इलाज सरकारी पैसे से फ्री में करने के लिए लोगों को जागृत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जित नहीं झगड़ा सिखाता राष्ट्रवाद, एक साथ लेके चलने की परिभाषा देता है वो, तो ये कथनी और करनी भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं 2 साल रह करके देख लिया कि क्या करने वाले हैं। संविधान खतरे में है, जो पिछड़े दलित के लिए आरक्षण लागू है वो खतरे में है। आज प्राइवेट को मोदी जी ने कहा था ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। कहा कि यहाँ रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया। नारा दिया कि हवाई जहाज वाले को, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पे चढ़ाऊंगा, जहाजियो बेच दिया। अब कहा है, कैसे भरोसा करेगा कोई? कहा कोई पत्रकार दिखा दिया मिड डे मील योजना में मिर्जापुर में कि रोटी नमक परोसा जा रहा, मुकदमा लिखा दे रहे हो? यही है सरकार का कानून, हजारों पत्रकारों पे मुकदमा क्यों? पत्रकार चौथा स्तंभ होता, वायना होता है, सरकार को दिखाता कि कमी इसको दूर करो, जब आप उसके ऊपर मुकदमा लिखो। सरकार थी तो सपा पे जातिवाद के आरोप लगे थे, और जो मोस्ट बैकवर्ड है उसका ये आरोप था कि हमें उसमें अधिकार ही नहीं मिले। तो आप समझौता कर रहे सपा से, क्या जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको उनके अधिकार मिल जाएंगे? 100% मिलेंगे। आप सुन तो लीजिए, घरेलू बिजली का बिल माफ होगा तो खाली एक जाति का होगा? एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, स्नातकोत्तर तक फ्री शिक्षा होगी,
एक जाति के लिए होगी? प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री में होगा तो एक जाति का होगा? देखिए हमारे दादा, नहीं हमारे दादा, ये तो सब चीज बीजेपी गवर्नमेंट में भी, हमारे दादा अगर कोई हो जाए, जैसे भागीदारी पार्टी, प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राष्ट्र उदय पार्टी, जनता उन्नत पार्टी अनिल चौहान, भारत माता पार्टी रामसागर बेन, प्रेमचंद कश्यप, गुलाब खंगार, सतीश बंजारा, एक मोर्चा हम लोगों ने बनाया, भागीदारी संकल्प मोर्चा। इस मोर्चे से समाजवादी पार्टी से समझौता दोनों नेता माननीय अखिलेश यादव जी और हम लोगों ने 27 अक्टूबर को मऊ की धरती पर, बनारस मऊ की धरती पर हल्दरपुर में हम लोगों ने इसकी घोषणा की है। आप लोगों कितने था? देश में नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया था। उन्होंने वादा किया था कि प्रदेश में महंगाई कम करेंगे, लेकिन तीनों क्या किए? अभी इनकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? ये संसद में इन्होंने पास किया है तो संसद से कानून को वापस हो सकता है ना कि जवान से वापस होगा? और इनके ही गृह मंत्री बयान देते हैं कि हम लोग तो वोट लेने के लिए जुमला बोलते हैं, बयान दिया है ना गृह मंत्री जी ने, तो इनकी बात पर कैसे भरोसा कोई करेगा? इस नाते इन्होंने तो वादा किया था किसानों का गन्ना हम 14 दिन में भुगतान करेंगे, उसके बाद किसान इधर से लेके जाएगा अपना गन्ना और उधर से पैसा लेके निकलेगा, क्या हुआ उसका? इस नाते इनकी बात पर कोई भरोसा नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आके इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने भाषण दिया था कि हम यहाँ हाईकोर्ट बनाएंगे, 7 साल हो गया, क्या हुआ हाईकोर्ट का? इस नाते इनकी बात का भरोसा अब कोई करने को तैयार नहीं है। बात आपकी आजाद से भी हुई थी, चंद्रशेखर से भी हुई थी, शिवपाल जी से भी आपकी बात हुई थी, क्या रहा उसका फिर? देखिए आज भी हमारा प्रयास है, लोग ज्यादा सीट की लालच पैदा पाले हुए हैं। अब कोई 100 सीट, कोई 80 सीट, कोई 70 सीट मांग रहा है, तो अगर समाजवादी पार्टी अपने सभी सहयोगियों को सीट बांट देगी जितना लोगों की डिमांड है, तो उस हिसाब से तो हमको लगता है सीटियां घट जाएगी। तो हमारा कहना है लोगों से, हम आज भी प्रयासरत हैं कि आप 100 सीट लड़के एक भी सीट न जीतो तो बेहतर है कि 10 सीट लड़ करके 10 जीत जाओ। तो आप चुनाव लड़ोगे या नहीं, इनके सीटों का बंटवारा होगा नहीं होगा, या ऐसे ही सहयोग करोगे? 400 आपकी जो अपनी पार्टी है वो कितने सीटों पर लड़ेंगे? आपका मोर्चा अभी दिसंबर में हम लोग तय कर लेंगे, वो सीट का कोई झगड़ा नहीं है। इतना मान के चलिएगा कि हमारा गठबंधन 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हम लोगों का सीट का कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग वर्तमान सरकार 60 पैसा पर यूनिट बिजली खरीद रही है, 7 रुपया देहात में, 8 रुपया शहर में बेच रही है। हम लोग सब कुछ समझा करके, हम लोगों की सोच है कि आने वाले 22 के चुनाव में सरकार बनाकर 300 यूनिट बिजली हम लोग प्रदेश की जनता को फ्री देना चाहते हैं। हम लोगों का मानना है जो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लेकर के हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से था, जो पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलता है, उसकी एक कमेटी बनी माननीय राघवेंद्र सिंह पूर्व रिटायर्ड जज हाईकोर्ट, उनकी रिपोर्ट आ गई 30 अक्टूबर 2018 को, 2 साल 11 महीना हो गया सरकार इसको लागू नहीं कर रही है। जबकियों को लेकर के हम लोग किसानों के सवाल पर, जैसे अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानून कृषि बिल वापस किया है, कानून लागू करने से 50,000 किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए, क्या ये मुकदमे वापस होंगे? जो इस आंदोलन में जो काले कानून थे, लोगों ने जो आंदोलन किया उनके ऊपर भी मुकदमे लिखे गए, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, क्या सरकार इनको शहीद का दर्जा देगी? इनको 1 करोड़ रुपया और एक सरकारी नौकरी, ये प्रधानमंत्री के काले कानून लाने की वजह से लोगों ने शहादत दिया है, इनको सरकार दे। इसके साथ साथ जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे द्वारा जीप चढ़ा करके जो किसानों की हत्या की गई, जो पत्रकार की हत्या हुई, और हमारे उस घटना के बाद 9 लोगों की जान गई,
क्या ऐसे मंत्री को हमारे देश के प्रधानमंत्री जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने। काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा कि ना ये कृषि बिल जो आप ले आए हो काला कानून है, पूरे देश में इनका विरोध हुआ, अंततोगत्वा इनको बैक होना पड़ा। तो आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो और लड़ करके आप मनवा सकते हो। जिस तरह से विपक्ष कृषि कानून के साथ था, तो क्या एनआरसी और सीए के साथ भी विपक्ष है? देखिए, पूरा विपक्ष सरकार की गलत नीतियों का, विपक्ष का काम होता है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना, उनको एहसास कराना कि ये गलत निर्णय है, इसको सही कर लो। तो अभी तो जो हम लोगों की लड़ाई है, वो मकसद हमारा है कि प्रदेश में जातिवार जनगणना, 1931 की जातिवार जनगणना हुई है, 90 साल हो गया। संविधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए, ये नहीं हो रहा है। इसी नाते तमाम जातियां जो उपेक्षित हैं, कि किसी जाति का सही आंकड़ा आज तक देश में नहीं है, तो ये पहले सर्वोपरि है। गरीबों को एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा की जरूरत है, गरीबों का इलाज फ्री में हो इसकी ज़रूरत है। आज महंगाई की मार से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है, तो महंगाई से निजात दिलाने के लिए आज हम लोग सबको जागृत कर रहे हैं कि आप हम सब लोग इकट्ठा होकर के सरकार बना लिया जाए, जो ये बैट लगा करके टैक्स लगा करके हमसे आपसे वसूल रहे हैं, तो इस पर हम रोक लगा करके। अभी जैसे आपने देखा कि बाई इलेक्शन बीजेपी हारी तो 12 रुपया डीजल और पेट्रोल घटा दिया। एक कहा कि देखो हमको उपचुनाव हराए हो तो 12 रुपया किया हूँ कम, हमको उत्तर प्रदेश हरा दो तो हम आधा दाम कर देंगे, ये भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दिया है। होगा गठबंधन 100% होगा। जो आपके नेता आपके संपर्क में थे, क्या आज भी संपर्क में? बिल्कुल संपर्क में है। बोल करो, आज मुजफ्फरनगर आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम मुजफ्फरनगर में? आज भागीदारी पार्टी द्वारा आयोजित वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक महापंचायत है। हम प्रदेश में जो वंचित समाज है, आज़ादी के 75 साल में जिनको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक क्षेत्रों में हिस्सा नहीं मिला है, उनको हिस्सा दिलाने के लिए एक पंचायत का कार्यक्रम रखे हैं, उसी पर्पज से इधर हम आए हैं। पूर्वी यूपी में तो आपका बढ़िया, पश्चिम में क्या करेंगे? देखिए, पश्चिम में आप जो स्थिति पूरब देख रहे हैं वही स्थिति पश्चिम में है। ओम प्रकाश राजभर जब सत्ता में था तब लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, सत्ता से बाहर हुआ तब भी लड़ा अति पिछड़ों के सवाल पे, और आज भी मैं अति पिछड़ों को, आप चाहे कश्यप हो, बिंद हो, निषाद हो, केवट हो, मल्ला हो, पाल हो, प्रजापति हो, कुम्हार हो, नाई हो, आरक हो, अर्कवंशी हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, ये जातियों को कोई जानता नहीं है। ये जातियाँ आज बड़ी तेज़ी से हम लोगों के साथ खड़ी हो गई हैं और ये जातियाँ अपने हक के लिए खड़ी हो गई हैं। तो आज जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, उनको भी इस बात का एहसास हो गया है कि बगैर इनको साथ जुड़े हम आगे नहीं जा सकते। अच्छा राजभर जी, आपके आवास पर, आपके आवास पर लगातार एक लोग शिवपाल यादव जी, चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी लगातार मीटिंग करते हैं, लेकिन गठबंधन आपने अकेले कर दिया? नहीं, पिछले महीने ये तय हुआ कि 10 तारीख तक शिवपाल जी बात करेंगे, और 10 तारीख के बात नहीं होती है तो एक आदमी बात करके पहले वहाँ चले, उस घर में एंट्री करे, तो फिर उसके बाद हमको जिम्मेदारी मिली तो 5-6 लोगों को लेके हम वहाँ गए, समझौते का ऐलान हुआ। हमारा आज भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप 100 सीट लड़ने के बजाय आप 10 सीट पे लड़ो, 100 सीट लड़ करके आप एक भी नहीं जीत सकते हो और मोर्चे में रह करके 10 लड़के 10 जीत सकते हो। हमारा मोर्चा 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। राजभर जी, जिस तरह से कृषि कानून को प्रधानमंत्री ने रद्द करने की घोषणा की, क्या एनआरसी और सीएबी का भी प्रधानमंत्री रद्द करेंगे? प्रधानमंत्री से पहले तो जातिवार जनगणना हो जाए, ठीक है, प्रदेश में अमन चैन हो। एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, रोजगार पाना है, नौकरी पाना है तो आंदोलन करो। ये इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने।
काले कानून कृषि का ला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने कहा कि ना ये कृषि बिल जो आप ले आए हो काला कानून।